आज संडे है और हम लोग सैंडविच तैयार कर रहे हैं। और ये शाम का सैंडविच जो हम लोग आज लेंगे, तो देखिए कैसे हम तैयार कर रहे हैं। बहुत टेस्टी लगता है। ये सूजी लगा रही हैं, इसके बाद से फिर इसमें चढ़ा हुआ है। और ये सैंडविच बनाने का पैन है, देखिए तैयार है। और देखिए ये निकल गया, ये फर्स्ट क्लास। और इसमें हम लोग थोड़ा सा सॉस का यूज करते हैं, सॉस के साथ इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा लगता है। ऐसे तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन ये टेस्ट कुछ अच्छा सा लेने के लिए सॉस का यूज करते हैं। देखिए ये और सूजी घी लगाते हैं और इसे टोस्ट बनाने के लिए इसमें डाल दिए पैन में, और पैन को गर्म करते हैं और सेकते हैं। तो ऐसे कर बारी बारी से हम लोग बनाते हैं और थोड़ी देर में हम लोग यूज करेंगे। जब मिलते हैं खाने वक्त, ये हमारी मैडम तैयार कर रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं है। नहीं नहीं, ये तो 5 मिनट का काम है। और ये तुरंत तैयार करेंगी। बच्चे लोग बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों लोगों का फेवरेट है। और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हम लोग भी, हमारा बेटा है और ये मेरी बेटी अभी जस्ट ली हुई है और हम भी खा रहे हैं ये सॉस के साथ। ये बहुत ही लाजवाब है, शाम को ये नाश्ते में लिया जा सकता है इसको। लाजवाब है, जरूर अपने घर में बनाते होंगे। ऐसा ही बहुत हार्ड चीज़ नहीं है कि नहीं बनेगा। तो आप लोग अपने बच्चों को जरूर खिलाए, बहुत फास्ट बनता है और सभी बच्चों को प्यारा लगता है। सभी बच्चों को ब्रेड खाने का बहुत शौक है और ये ब्रेड का आइटम है। नाश्ता भी सारे बच्चे मिलकर खाओ, टीवी बाद में देखना बेटा। लगता है ना नथी गुम हो गया है। अरे तो कुछ और पहन ले रात में, मेरे पास कुछ डिजाइनर पिंस है मनीष। तो हम लोग दीदी ये उत्तराखंड की शादी है, बॉलीवुड की नहीं है। यहाँ पे ना जो दूल्हा गायब हो जाता है तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं। खाओ समृद्धि। गायब हो गई ना तो पापा आसमान सर पे उठा लेंगे। एक और दीजिएगा, देखिए एक और आ गया। बस मेरा हो गया, और एक गर्मा गर्म चाय इस पर हो जाए तो और मजा आएगा। क्या मैडम चाय मिलेगा क्या? मूड तो नहीं है लेकिन बना देंगे। बच्चे लोग चाय नहीं पीते हैं, लेकिन कभी कभी संडे को पार्टी में जी आजकल लेस इज मोर। इतनी बड़ी नथ तो आजकल गाय भैंस पहनती है। मुझे भैंस बुला रही हो? नहीं, बच्चे लोग टीवी देख रहे हैं। डाइनिंग टेबल के पास एक टीवी है और लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ पंखुड़ी का नहीं है, ले लो बेटा। इतनी प्रॉब्लम है ना, अगर हमारे ट्रेडिशन से तो अपने होटल में रहते, यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे लिए ये सब नॉनसेंस है, लेकिन हमारे लिए ये सब बहुत मैटर करता है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।